दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर टीकमगढ़ से है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर नगर पंचायत जेरोन के 2 CMO और उपयंत्री को गिरफ्तार किया गया। EOW जबलपुर ने प्रकरण की जांच कर चारों अधिकारियों को दोषी माना और न्यायालय में प्रकरण सहित पेश किया गया, जहां से चारों अधिकारियों को न्यायालय में भेज दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अक्टूबर 2021 को अपनी जन दर्शन यात्रा के दौरान जेरोन क्षेत्र में हुई अपनी आम सभा के ग्रामीणों के शिकायत किए जाने पर तत्कालीन CMO को निलंबित कर दिया था। इस पूरे मामले की जांच EOW जबलपुर को सौंपी गई थी। EOW SP देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि निवाड़ी जिले में नगर परिषद जेरोन खालसा में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच में प्रशासन के द्वारा आर्थिक अपराध ब्यूरो को सौंपी गई थी। जांच में आए साक्ष्यों के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में धारा 420, 120B, 457, 468, 471 IPC एवं 7C भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 13 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। वहीं प्रकरण की विवेचना निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी के द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के 4 आरोपी नगर परिषद जेरोन के तत्कालीन CMO उमा शंकर मिश्रा, तत्कालीन CMO नवाब सिंह, नगर परिषद जेरोन खालसा के तत्कालीन उपयंत्री सृजन गुप्ता और अभिषेक सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला न्यायालय टीकमगढ़ में प्रकरण सहित उन्हें पेश किया गया था, जहाँ 1 घंटे चली बहस के बाद न्यायालय ने चारों को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रकरण नगर परिषद जेरोन खालसा जिला निवाड़ी से संबंधित है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों को शासन स्तर से जांच के लिए EOW को भेजा गया था। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा इसमें जांच की गई और जांच में साक्ष्य जो पाए गए थे उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। प्रकरण की विवेचना की गई, विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, कुल मामले में कितने आरोपी? जो प्रथम दृष्टया FIR हुई उसमें 13 आरोपी हैं।